हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वन प्लस फ़ोन के प्ले स्टोर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग्स में आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है और अब गूगल प्ले स्टोर को खोजना है। तो प्ले स्टोर का पूरा नाम रहता है गूगल प्ले स्टोर, तो उसी को खोजना है। तो हम आते हैं नीचे और देखिए यहाँ पर आ चुका है गूगल प्ले स्टोर, इस ऐप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ऐसा करने से कोई भी ऐप डिलीट नहीं होगा। तो इतना करने के बाद अब बैक आना है होम स्क्रीन पर और अब अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। जैसे ही इतना कर लेंगे अब आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। अब देखिए अगर कोई ऐप इंस्टॉल होने में या अपडेट होने में प्रॉब्लम हो रही थी तो वो सब सही हो जाएगी। तो चलिए यहाँ से किसी ऐप को हम इंस्टॉल करते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप इंस्टॉलिंग हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम थी सब सही हो चुकी है, ऐप इंस्टॉल भी हो चुका है। अब हम इसे ओपन करके चला सकते हैं। तो इस तरह जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब सही हो जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।